भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे चेहरे, ऐसे खिलाड़ी हैं हमारे साथ में, योगेश्वर दत्त हैं, युवा चेहरा है, खिलाड़ी भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, एक आप भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, हरियाणा को कहां तक देखते हैं खिलाड़ियों की नज़रों में, बात की जाए युवाओं की बात की जाए? देखिए सबसे पहले तो सबको नमस्कार, और खिलाड़ी जरूर पर वरिष्ठ नेता नहीं हैं, अभी बिल्कुल शुरुआत हमारी। और आज गुड़गांव में हम इस बैठक में आए हैं, और बात खिलाड़ियों की तो हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है। यहाँ से अगर आप पूरे देश की बात करें तो 50% खिलाड़ी हरियाणा से होते हैं, बात ओलंपिक की, कॉमर्स गेम्स की हो, एशियन गेम्स की हो। और मुझे लगता है कि हरियाणा के खिलाड़ियों का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है, जिस तरीके से हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बात किसी भी गेम्स की ले सकते हो आप, स्टेट नेशनल लेवल से और ओलंपिक तक की। और मेरा मानना है कि खिलाड़ियों में जो जोश और जुनून और जो एक भूख जगी है ओलंपिक चैंपियन ओलंपिक मेडल जीतने की, वो में मेडल ही रहती है। और जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो मोदी जी ने जो एक स्कीम चलाई है, टोप चलाई है, MOC चलाई है, मिशन ओलंपिक सेल, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, उससे बड़ा फ़ायदा मिला है बच्चों को। और जो जूनियर लेवल का बच्चा है, कैडेट लेवल का बच्चा है, उसको भी सुविधाएँ मिलती हैं, वो उस वजह से हमारी परफॉर्मेंस बढ़ी है। और बच्चों में जो जुनून है, उससे हमें मेडल मिलने में बड़ी मदद मिलती है, मोदी जी की जो स्कीम है, और बच्चों का जुनून ओलंपिक मेडल दिलाता है। बरोदा हल्के से आपने उपचुनाव लड़ा था, हालांकि कुछ ही वोटों से आप हार गए थे। आपकी बरोदा हल्के में एक महरा गांव है, अगर वहां पर खिलाड़ियों की बात की जाए, वहां पर स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है, तो महरा गांव की जो आपके विधानसभा में पड़ता है, उस स्टेडियम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, और पीछे मैं गया भी था, वहां पर सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, कि जब बारिश होती है तो स्टेडियम में पानी भर जाता था, और हमने उस टाइम पे पानी निकलवाया भी था, और इसमें जो बर्थ होना था शायद वो बर्थ हो चुका है। और जो भी समस्या जिस भी गांव की आती है, बात एक बरोदा हल्के की नहीं है, कहीं से भी, क्योंकि मैं हरियाणा का खेल प्रकोष्ठ का संयोजक भी बनाया हुआ हूँ, तो हम कोशिश करते हैं कि उस खेल मंत्री तक, मुख्यमंत्री जी तक वो बात पहुँचा के वो जो असुविधा खिलाड़ी होती है वो दूर करें। देखिए ये हमारे साथ में जो एक खिलाड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, योगेश्वर दत्त, साफ तौर पर कह दिया कि जो हरियाणा है खिलाड़ियों की धरती है, उन्होंने खास तौर कह दिया कि इस क्षेत्र में अगर कोई मूलभूत सुविधाएं ऐसी मिली हैं या किसी पर कोई समस्या है, जल्दी से उसको पूरा किया जाएगा। खिलाड़ियों के तौर पर अगर किसी गाँव में कोई स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है, तो जल्दी से उस स्टेडियम की व्यवस्था को भी पूरा किया जाएगा। कैमरामैन आज के साथ मैं सूरजवन, खबर फास्ट, गुरुग्राम। और चले